तो क्या वो साल ब्लैक मूवी आई थी, तो हम क्या हुए कि माइनर दिया और माइनर दे के हम सोचते कि यार पास में वो थिएटर होता था, मैं यार 14 दिन की मतलब फ्रस्ट्रेशन है, आज जाके शाम को मूवी देखेंगे, तो पता चला कि हम तो पिछली सीट पे बैठे हैं और बस थोड़ी सी देर बाद में आ गया अगली सीट पे बैठ गए। तो ऐसा साथ रहा और कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, हमेशा ऐसा लगा कि वो भी एक घर है और घर में ही जाके पढ़े हैं। और बॉस को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये काजी मेरी कर्म भूमि है। क्या बात है। मैं पहले सबसे पहले बनगोठड़ी ही मेरी पीएचसी में मैं पोस्टिंग दी है, मैंने 4.5 साल यहाँ पे, विजय जी ये सब मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत ईमानदारी से मतलब मैंने काम किया। और ये कोई मैं बड़ाई की बात नहीं कह रहा, शायद बनगोठड़ी एक ऐसा गांव था जहां पे मेरी पीएचसी पर मेरी 250 की ओपीडी हुआ करती थी, जहां पे पहले मरीज ही नहीं आया करते थे, वहां पे 250 के आसपास मेरी ओपीडी हुआ करती थी। यहां तक कि मेरी दीदी को और मेरे रिश्तेदारों को मरीजों के लिए फोन करना पड़ता था कि डॉक्टर साहब को बोलना कि मेरे को एक बार पहले देख ले। तो वो संस्कार आप ही से सीखे थे, मैंने आप ही से सीखा था। विजय जी जानते हैं, इनकी स्कूल में भी पढ़ने वाले बच्चों को, सरकारी स्कूल में भी पढ़ने वाले बच्चों को कभी भी आर्थिक मदद की जरूरत हुई तो मैंने सबसे पहले आगे हाथ बढ़ाया, क्योंकि जब मेरे को जरूरत थी तो मेरे लिए हाथ किसी ने बढ़ा रखा था। तो ये संस्कार, वो कहते हैं ना दिए से दिया जलाना, तो वो दिया जलाना हमने गुरु जी से ही सीखा था और उन्हीं के आदर्शों को आज काम में लेते हुए सरकारी सेवा में 8 साल हो गए, BCMO पद पे भी रहे, हमेशा सब ने एक चीज़ ही हमको सिखाई कि हाँ भाई हम लोग काम के प्रति निष्ठा रखते हैं। और ये जो काम के प्रति निष्ठा रखना, ये इन्होंने ही हमको सिखाया है। दूसरी एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अभी युवा चिकित्सक और इंजीनियर हमारे बीच में बैठे हैं, युवा लोगों में क्या होता है कि बहुत जल्दी होता है कि हाँ डॉक्टर इंजीनियर इसलिए बनना है क्योंकि पैसा कमाना है आगे जाके। मैं आपको बात बताऊं, अभी से जैसे ये जो शख्स हैं, ये सुबह उठने से लेके रात तक सिर्फ CLC और एक जुनून है कि हर गांव में मुझे जाके जो सबसे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चा है मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, उसको इंजीनियर बनाना है। ये जो जुनून है ना, ये जुनून आपको आगे लेके जाएगा, पैसा आपको आगे लेके नहीं जाएगा, वो एक सैचुरेशन आ जाता है। आज मैं भी गाड़ी चला लेता हूँ, मैंने भी मकान बना लिया, आप एक गाड़ी मकान शादी हो गई बच्चा हो गया, आपकी क्या सैचुरेशन होगी उसके बाद में। इसलिए रोज उठते हैं तो आपके मन में एक ध्येय होना चाहिए, मेरी जिंदगी का ये मकसद है, और वो मकसद पैसा है तो वो बहुत जल्दी आप में फ्रस्ट्रेशन ले आएगा। इसलिए आपका मकसद, जैसे आपको बॉस ने कहा कि आप IAS बने, आप बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये मकसद आपको रोज उठाएगा कि भाई मैं मतलब क्या है कि आज क्यों उठाऊं, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं उठा, मैं 5 लोगों की मदद करने के लिए उठाऊं, मैं एक नया श्रवण गांव में ढूंढने के लिए। जैसे संत कुमार अपनी पंचायत से पहले डॉक्टर थे, हम जशवंतपुर चुरू में भी हम पहले डॉक्टर थे वहां पे 2005 के अंदर, हमारे मेरे तो कहीं नहीं। और उसके बाद में हमने एक ऐसी लहर बनाई, मेरा भांजा है अमरदीप डूडी, ये भी CLC से पढ़ा है, ये फॉरन से MBBS कर रहा है, मेरी खुद भांजी है वो सेकेंड ईयर MBBS, सब CLC से पढ़े हुए हैं, कोई गवर्नमेंट मिला कोई, बट जो एक गोल मिला, जो जिंदगी में आगे बढ़ने का जो गोल मिला वो CLC से ही मिला हम सबको। और मैं गुरुजी को एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत हद तक मेरी पहचान भी CLC से है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ क्योंकि मैंने शायद 2004 से लेके अब शायद लॉकडाउन के बाद में कोई विजयोत्सव ऐसे प्रोग्राम है जिनमें हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाए, वरना हर प्रोग्राम में मैं गया हूँ, वहाँ पे हमने स्टेज में, हम तो भाई गायक हैं तो हम तो गाते हैं, तो हमारा तो सब लोग मेरे को CLC के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। तो जब मैं कोचिंग में था तो एक उस समय एक यस बॉस मूवी का एक गाना था, चांद तारे तोड़ लाऊं, तो वो गाने के बोल हमको, मुझे इतने जुनून भर देते थे अपने अंदर कि, तो उसी गाने के 2 लाइनें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि यार तू भी सुन जरा, आरजू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ, मान जा ए खुदा इतनी सी है दुआ, मैं बन जाऊँ सबसे बड़ा।
मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। जय सीएल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रवण। ये देखो, ये सीएलसी मल्टी टैलेंटेड आदमी रखती है हमेशा।